पढ़े जा रहा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैसे? जब एकल अभिकर्मक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कैसे? ये देखते हैं, तो CaCO3 जब अपघटन मतलब टूटेगा तो क्या बनाएगा? CaO+CO2। ध्यान देने बात यहाँ पर यह है कि ये जो आपका अभिकर्मक है टूटने पर भी उतने ही तत्व उपस्थित होने चाहिए। अब दो उत्पाद बन गए, एक और दो। अब यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन कितने हैं आपके? तीन। यहाँ दो और एक कितने हो गए? तीन हो गए। कैल्शियम कितना? एक। तो कैल्शियम यहाँ भी एक है। कार्बन एक है तो कार्बन यहाँ एक है। मतलब बैलेंस होना बहुत आज बनने जा रहा है। संयोजन अभिक्रिया, संयोग माने होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक उत्पाद जुड़कर एकल अभिकर्मक का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है आपका? वो संयोजन अभिक्रिया। कैसे? देखिए, 2Mg+O2 ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2MgO। देखिएगा यहाँ 2MgO है, यहाँ भी 2Mg है, लेकिन यहाँ O2 कितना? दो है, यहाँ भी। आगे देखो, आगे लग गया तो मतलब ये भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है और मैग्नीशियम भी दो है। तो दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनते हैं तो क्या कहलाएगा आपका? संयोजन अभिक्रिया। इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।